गया, हमरे अभी न भूख ना ही बात है। खाबू ना ही अम्मा तो ठीक कैसे हुआ बू? खाना खा लियो और दवाई खा लियो, उसके बाद आराम करो। अरे बिटिया, खाना खा ली, दवाई खा ली, आराम करी का करी? अब कह चिंता हमें खाए लिया तो बाहर कि हमरे बिटिया चमेली का हमरे ना रहे के बाद किए दिए खबाल करी। अम्मा ऐसा कुल बात ना करा करो, तू ऐसा बात करेलू तो हमें नीक ना ही लागत है। कहाँ तू जाती हूँ अम्मा छोड़ के, जब ऐसा तू बतवाती हूँ। अरे बिटिया, अब हमारे आखिरी वक्त चला तो बाहर, ये तो भाई तोहार डाड़े हो गए हैं, अलगे मिल गए। बर्तनुआ हमारे कुल करत धरा था, नीक चाहे बेकार वही का भार भर सार सौंप दियई, ओकरे बाद आँख मुँह लियई अच्छे तरीके से, नहीं चिंता मर सकी। अरे बही चमेली, तू खाना काहे निकाल के लाई अम्मा खरती, हम तो लावत रहे। अरे का काहे तू रोवत बाटू, हैं काहे तू एकदम से अपन जरा छोट की है बाटू? अम्मा नीक ना हो गई है, अच्छे तरीके से अम्मा ठीक हो गई है, परेशान ना रहो, चाहे जितना रुपया पैसा लागी अम्मा का ठीक करा जाई, तू चिंता ना लो बहनी चमेली। कैसे ना चिंता लिए भाभी, अम्मा देखो अनाप शनाप कौन मेर के कात बाटी, कात ही हमारी आखिरी वक्त चलत बाटे, ऐसे उल्टा सीधा कात ही तो हम रोईब नहीं। हम तहार फीलिंग समझी था बहनी, लेकिन का करा जाए, अपने सकिया भर अम्मा के खूब सेवा सत्कार दर दवाई करावा जाए, अम्मा अच्छी हो गई है, तू चिंता ना करो, देख लियो चाहे अम्मा बहुत जल्दी ठीक हो गई है। अरे दुलहिन, काहे हमारे बिटिया का झूठ पूरे साल तो ना दिया था बाटियो, अब हमारे सही कही तो आखिरी वक्त चला था बाटा है, बस यह जान लियो कि पतवाहा तो है, हम अपन बिटिया सौंप के जाबे हमारे बिटिया के अच्छे से देखभाल की हो, महतारी के नाई ने जाने मान्यो जौन हमारे बिटिया से हो पाई तौन तोहरे साथे करी। अम्मा ऐसा कुल बात करत हो तो नीक लागत नहीं है, ऐसा कुल बात करो वरो ना, तू कहो ना जाए एक बार, तू अच्छी हो जाबू, टेंशन ना लियो। अम्मा आ दवाई ले आए हम, खाना खा लो, चलो दवाई खाओ। देखा था है अम्मा कौन मेर के बहनी करवाए बाटी, हैं जी एकदम से छोट की है बाटी, काहे ना अम्मा के समझावत बुझावत बाटे कि अम्मा ठीक हो गई है, हां अपन जी छोट की है ही अब बहनियों करवा रहा है के हालत खराब की है बाटी, हमसे तो कुल देख ही नहीं जात बाटे, अब तू ही समझाओ अम्मा का बहनी का। का भे चमेली, काहे रोवत बाटी, अम्मा ठीक हो गई है, परेशान ना रहो। हाँ अभी तुम्हारे भाई जिंदा बाटे, अपन किडनिया बेच के अपने अम्मा का इलाज कराई दियो, परेशान ना रहो, खाना धरो और जाओ, तुम और तुम्हारे भौजी मिलकर खाना खाओ, करो खाना मका के। ठीक बाय भैया, हे भगवान हमारे अम्मा का नीक कर दियो। अम्मा खाना खाओ और आराम करो, दवाई लेके आई गए हम तुम्हारे और दवाई खा एक बार तू है। ठीक बाय बनवारी बेटा बा, ठीक ही बाय, अब इन तक के तो हमारे बोझा उठावत रहो, दर दवाई कुल देखत रहो, अब बचावा हमारे तुम्हें चमेलियों को बोझा उठावे के पड़ी, ओकर शादी ब्याह तुहिन के करे के पड़ी, हमरे ना रहे के बाद बचावा हमरे चमेली के ध्यान रखियो, कौनो दुख तकलीफ ना हुए दी हो बच्चा, हमें तोहरे आसरा बाटे। अम्मा तो चिंता ना कर, तोर बेटावा बहिन जिंदा बाटे समझे, चमेली हमार बहिन नाई हमारी बिटिया हुए, हम ओकर देखभाल अच्छे से रख, तो चिंता ना कर। हाँ बेटावा, एक जने तो कुल आया के निकल गए, बिहारी के मुँह देख ली है, लेके अंते हो गए, ताकि ना बहिनियन देखभाल करे पड़े ना महतरी एक दर दवाई करे पड़े, तोरे ही माथे मुड़े कुल भहरान हमारे बचावा, तो ही इन पे हमें भरोसा बाय, उनके भरोसा भरोसा बाय नहीं बचावा, तो ही हमारे बहिनी का क्या ले रखे हो। अरे अम्मा कुल का चिंता ते ना कर, हम कुल दिया के लिए संभाल लिए, ठीक बा, अब ते खाना खा, ज्यादा सोचना, आराम कर। ठीक बाय बेटा बा। एक महीने बाद, अरे हमारे अम्मा, हमारे अम्मा, हम कैसे तारे बिना रहवे हमारे अम्मा। ना रो बहनी चमेली, ना रो, हम हैं नहीं, माने थे हम तार भल जाई हुई, लेकिन महतारी से बढ़ के तुम्हें प्यार दिलार दिया बे। अम्मा का कमी तो हम नहीं पूरा कर सकी था, लेकिन इतना कोशिश करो कि अम्मा की याद भी ना आवे तुम्हें, ना रो बहनी चमेली। कितना मार के आस चुआ जात बा, पुरनिया रही तो मर गई, समय रहा मरे के का निकाल, एक घंटा बैठ के नौटंकी करत ही रोवत गावत ही, इनाई की जल्दी ले जाई फूक फाक के आई, खाई पी फूक लाग बा अपना तेज के हमरे, ताते मैं अपने भैया से लेके जाए लहास वहास फूक के आवे, है दो
अरे चुप रहो मजे बोल। अब भैया भौजी सुन लिए तो काओ कही है भैया। अब अम्मा का अंतिम संस्कार करो, बहुत लेट हुआ तो बात है। हाँ वैसे भी गर्मी इतना बार लहास खराब हो जाए, और जितने देर रही उतने देर देख कर रवाई आई भैया। एक काम करो अब अम्मा का चलो ले चला जाए। अरे हमारे अम्मा, हमारे अम्मा, हमारे सबके अनाथ कहके भाग गई हमारी अम्मा। अब तो आंगन सुना हुई नहीं गए, अब अम्मा के जगहिया खाली खाली लगी। अब क्या कर सेवा भाव कर बे, क्या का खाना खाए के अगुआ रब। अब महतारी रही अब अपना खर्चा हो गए तो हो गए, बार बार तो हमके रोटी भात करे के नाई है। अब इतने दाई करे रहा अब हो गए, अब चलो का करा जाई। अब घरे चले वाले खा की यही रहे के बात है, यही रहे को तो बताओ। नहीं नहीं चले तो है ये बात है। अच्छा एक तू बात कही तुमसे, बुरा तो नहीं मानबो। अरे हमार जाने मन या कठो नहीं दुई छू तीन छू कहो, तोहरे बात एक आग तलुक हम बुरा माने की मानबे कर, का बात है बताओ। यह कही तो बाना हो कि काहे ना अपने बहिनिया चमेलिया के अपने साथ है रख लिया जाए। वैसे भी घर में नहीं अपना टहल ले रहा था हम, तरफ तरफ हमारे हालत खराब हो जाता था, थकी जाए था। कपड़ा छाटो बनाओ खवाओ माजाओ सैतो कपड़ा चौपर तो धरो परे से करो, इतना काम रहा था ना कि हमारे अंग अंग टूट जाता था। यह हम कहा रहे कि ना अपने बहनिया के लिए ले तो अपने लंगिया तो कुल काम उकर हमें काम से छुट्टी मिल जाए। लेकिन ये कैसे हो सकता है, बड़के भैया अम्मा का वचन दिए हैं बहनी के देखभाल करे का, अब कैसे हम कही बड़के भैया से, कौन पता ना जाए दिए तो। रही जाबो बहुरहा के बहुरहा, मैंने जाए काहे नाई दी है, फुसलाए के मन से कहो या सुनाए कि हम घर के काम करावे खातिर ले जाए तो बा, या से कहो कि हम उन्हें पढ़ाई लिखाई जौन ओकर इच्छा होई तौन पढ़े लिख के बनी ओका ओकरे पैर पे खड़ियावे खातिर लेके जाए थे। जब या से कहबो तो बड़के भैया भौजी तोहर मना नाई कह पाई है, समझो। लेकिन जब पढ़ावे लिखावे कहबे तो पढ़ावे लिखाई तो तुम्हें बुरा नाई लागी, तबो कहबू की सारा पैसा बहिनी हम खर्च करे दिए तो बाटी। जा बुद्धू का बुद्धू, माने घरा लेके जब चला जाई तोहरे बहिनिया के तो कौन पता क्यों देखे आतबा कि हम पढ़ाई लिखाई तो बाकी घर के काम कराई तो बा, कुछ नहीं पढ़ाई लिखाई जाई, सारा घर के जिम्मेदारी दे दे वही घर ही मोझी देती रही है, समझो। अब चुपचाप चलो अपने बड़के भैया से कहो कि हम मैं चमेली अपने साथ ही रखे के बात है, और ऐसे कहो हम छोट भाई हुई हमारा फर्ज है बहन के जिम्मेदारी उठावे के। हां ऐसे कहबो तो भैया भौजी तहार मान जाई है। अरे वाह हमार फुल टुरुआ, तुरे तो बड़ा दिमाग बा, एकदम सातिर दिमाग के है सातिर। ठीक बा ते जैसे कहे है वैसे हम बतवाई ले बड़के भैया से। हां ऐसे बतवाई लेबो तो हमहु के टाइम मिल जावा करी तोहरे लगे बैठा उठा तोहरे साथे घूमत तहरब, घर के काम से फुर्सत रही हम में कुछ नहीं करे के रही। हां हां ठीक बच्चा चलो चली भैया से बात करा जाए। चलो भैया। ए भौजी का भे छटकनुआ। भैया यह कहा करहन कि अम्मो का रोटी भात अब हो गए, कुल चीज से छुट्टी मिल गए, अब सोचित बा अपने घर के जाए के लिए। काहे भैया ई तहार घर नाई हुए, अब इन कुछ दिन और रहो वैसे भी अम्मा के जाए एक बार घर बिल्कुल सूना सूना हो गया है, अच्छा नाई लागत है, छटका रही है तो तनी नीक लागी। अरे दीदी अब तू कहते तबे ना हम रुकित, बिना कहे हम रुकी जाए, लेकिन जाना तिहु केरावा घर में रही था कोनो भरोसा नाई है कि कब का हो जाए चोरी चंडाली, इतना दिन से घर बंद बा, अब जाएगे दीदी ना बीच बीच में हमारे सब आवा जावा करबे हाल चाल मिला करी। जब ऐसा बात बा छटकनू तब जाओ हम नाई रोकब, लेकिन हमारा विचार रहा कि ही रहो हमारो सबके साथ मिलजुल के दोनों भाई रहा जाई। अरे भैया ये का तो हम सोचे रहे, लेकिन वहाँ का कारोबार जनते हो कुल फैला बाय हमार, अब छोड़ के आई तो नाई ठीक पड़ी, पता नहीं यहाँ जमी कि नाई जमी, अब वहाँ जमाए बाटन तब अब यहाँ रहब हमार बहुत मुश्किल है भैया ना, तो अब वही हमार ठीक बा। तब ठीक है छोटनु वैसे कब जाए के बात है, जाए तो सजवक बाय भैया ना, लेकिन तुमसे एक ठू बात करबे रहे। हाँ हाँ बताओ
कहन ऐसा बात बाटे, कहे तना संकोचात बाटे, बता जोन बात हुए। यह कहत रहन भैया ना कि कुछ दिन के लिए चमेली के हमरे साथे पठाई देते हो, आखिर हमहू तो ओकर छोट भाई हुई, हमहू तो ओकर जिम्मेदारी उठावे चाहे ना उठावे चाहे, शहर में रही अपन पढ़ी लिख लियई, कुछ बन जाई, अपने पैर पे खड़ी हो जाई। हमार यह विचार रहा कि चमेली के हमरे साथे भेज दियो। तोहरे दोनों जन के इतना अच्छा सोच बा तो हम मना कैसे कर सकी थे। वैसे भी जिम्मेदारी अम्मा हमारे ऊपर किए रही, लेकिन कौनो बात नहीं, हम चमेली जिम्मेदारी तुम्हें दी थे, लेकिन हमारे बहनी चमेली के अच्छे से ध्यान रखियो भैया, कौनो चीज के दुख तकलीफ हुए ना पावे, चमेली का देखभाल बहुत अच्छे से की हो। अरे भैया मने हमें गैर तू बनाई दी हो, हा? मने चमेली तोहरे खाली बहन हुए, हमार बहन नहीं हुए। अरे तू चिंता ना करो, अपने चमेली का हम इतना प्यार दुलार दे दियो कि अम्मा कमी वका महसूस ना हुई, पलको बिठाई कर रखब अपने चमेली का। तब ठीक बा, ले आ जाओ चमेली का। आ बहनी चमेली, चलो अपन कपड़ा लत्ता धई लियो, चलो ठीक बा भाभी। पता नहीं कान काहे हमारे अंदरवा से ऐसा करे जावे मीमुरत बा, कुरचत बा, ऐसा लागत बा कि हमारे दोनों जने चमेली का भेज के गलत की हन। हरे मटका तू झूठा है, परेशान है बाटियो, हमार भैया शहर में रहत है, शहर में रहन सहन जनते ही कितना बढ़िया रहत है, और पढ़ाई लिखाई कितना अच्छा रहत है, तू चिंता ना करो, चमेली के हमरे बहुत अच्छे से ध्यान रखी, ठीक बा? बात तो तहार सही बा, लेकिन पता नहीं कान कहे ऐसे लागत बा कि कुछ ठीक नहीं है। वे बहु रही तू ज्यादा सोचत हूँ, देख लियो चाहे अपन चमेली कितना खुश रही है। जब तू कहा था तब ठीक है, यह देख लियो महारानी खान जैसे यह घर के मलकिन या नहीं हुआ। हे हे कुमकरण के माई उठबो, का भे भाभी घर के सारा काम कैके सूतन है, अब का भे सूते दियो, हमरे बहुत तेज के नींद आवत है, थका बहुत जोर के लाग बाटे। ऐसे कैसे सूते दे, अब इन गेहूं साफ करे थे, चावल भी चारे थे, मसाला कुल डब्बम भरे थे, हां बना खाए मां धो के आए के सूती गई तो काम हो रही गए, अब इन घर के पूरा कोना कोना गंदा भे बा, ओका कुल नीक से झाड़ू मार मार के पोछा लगा एक बार, समझियो, चलो चलो ये सब सारा काम करो। भाभी हम बहुत परेशान हो गए काम करत करत, आज एक महीना हो गया, तू कहत रही कि चलो तुम्हें वहां पढ़ाई लिखाई, अब पढ़ाई लिखाई किए कहे या हमसे पूरा घर के तू काम करावत बाटू, हमें अच्छा नहीं लागत है भाभी। का कहियो अच्छा नहीं लागत बा, तहार महतारी मरत मरत के हमें खजाना देके गए रही, जान तुम्हें पढ़ाई पढ़ाई में लिखाई चुपचाप घर के काम करो, ओहे शादी के बाद कामे आई, समझियो बढ़िया ही पढ़े लिखे, का पढ़ के कलेक्टर बनबू कि दरोगा पुलिस बनबू कि वकील बनबू का बनबू। तोरे दोनों परानी हमसे झूठ बोले, हम अपने बड़े भैया बड़े भौजी के लगे रहन बहुत खुश रहन, कब्बो हमसे हमार भौजी चिम्मच नहीं धवाई, अब तू हमसे पूरा घर के काम लेती, ऊपर से खाना भी नहीं सुध दे देती, इतना अत्याचार जुलुम हमारे ऊपर करत हूँ, और हमार मोबाइल भी तोड़ दी हूँ ताकि हम भैया भाभी से बतियो न कह पाई, आखिर हमारे संगरी इतना काहे अत्याचार करत हूँ भौजी। तहार दिमाग खराब हो गया बा, घर के तुमसे सारा काम कराए तो हम अत्याचार जुलुम करित बा, और पियत हुए तहार की डोम के ढाका भरे ही नहीं जाना था, जब देखा तब खाऊ खाऊ मचाए रहा थी, और कहा तो बाटी शुद्ध खाना में नहीं दी थे, आवे दियो तुम्हारे भाई के, तब हम तहार सारा शिकायत करी था, कह दी था कि एक लौंडा से इनके चक्कर चलत बात है, तब तुम्हें ही कुटी है। ई का कहत भाटी भौजी, इतना भारी इल्जाम हमरे ऊपर न लगायो, जौन तू कहबो तौन हम करबे, भगवान के लिए हमरे ऊपर ऐसन लांछन न लगायो भाभी। हाँ तो ठीक बा, अब आ उठ पहाड़ के नीचे, चलो चलो सारा घर के काम चुपचाप करो, हमसे खबरदार जब आन जो लड़ाइयो। ठीक है भाभी, भगवान ऐसन भौजाई केहू के ना दिया, हमने बेवकूफ बनाई के लेके जौन आई हम यहाँ फंसे गए, भगवान अब तू ही हमार कोनो मदद करो, अब आराम से चैन से सोता है, हैं चली रही चैन से सोवे महारानी खान। आजकल हम बहुत सुंदर लागी थे, और इतना सुंदर लागी थे कि हमारे नजर उधर लग जात है, करी तो करी का हम, आज यहाँ तो कह दी हमारी नजर झराई दिए, और आवे तो हमारे खाती बाहर से गजरा ले आवे। हमारी गुलाबी चुनरिया ओ हमके लागे नजरिया, हमारी गुलाबी
गए। भैया भौजी मिलके हमार सपना चूर चूर कर दी। क्यों आस पास है यो नहीं है कि क्यों के फोन से अपने भैया भाभी के अपन खबर बताई दी। हम का करी भगवान, हम बतना मजबूरी में है। चमेली, ओ चमेली भाभी, भाभी हमार भाभी। अरे बहनी चमेली, ये काहे रोत बाटियो? हम आए गए ना, लगत है खुशी के आंसू रोती हूं। हाँ भाभी, खुशी के आंसू रोई था, भगवान हमार सुन लिए। जान तोरे दोनों जने आए गए भाभी, हम बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान। परेशान ही ये तो का कहत है चमेली, सब ठीक बा ना? हाँ बहनी चमेली, का बात बाट है? भैया भाभी, हमें यहाँ से ले आए चलो, हमें यहाँ से ले आए चलो, घरे चलो, हम सारा बात तुम्हें बताए। हम यहाँ एक छिन्न अब ना रह सकी था, हमें ले चलो यहाँ से। हाँ हाँ ठीक बा चमेली, हम लेके चले बा तुम्हें। पहले आ जाए तो तेरे छोटके भैया भौजी का। नहीं भैया भौजी का हमें नहीं अगोर एक बार, चलो चलो यहाँ से भौजी, चलो यहाँ भैया भाभी से केहू नहीं मिले एक बार तुम्हें, चलो चलो यहाँ से, चलो हमारे दम घुटत बा। चल चल बहनी चमेली चल, सारा बात हमारे कुछ समझ में आवत नहीं बा, चल के हमें पूरी बात बता। चल पूरा घर छानी मारन, कहां गए चमेलिया? हैं ऐसा तो नहीं कि केहू साथे भाग गए अपन मुंह करिया करे? कहां हेरी, केकरे लगे हेरी? हां यहां तो केहू के जनता नहीं रही चमेलिया, आखिर गए तो गए कहां? अरे जानू का भय, कहे इतना परेशान ही? अब का तुम्हें बताई, तहार बहनिया जन चमेलिया ही केहू साथे भाग गए। का भय, चमेलिया भाग गए? हां भाग गए, वैसे भी तोरे बहन के हमें चाल चलावा कुछ अच्छा नहीं लागत रहा। ये बारे में हम तुमसे बात करे वाली रहन, लेकिन बात करे से पहले तहार चमेली भाग गई केहू के साथे। अच्छा ये बताओ, अब बड़के भैया भौजी कौन जवाब दिया जाए? उनके दोनों जने तो हमरे भरोसे चमेलिया पठाई दिए रहिन, अब हम कौन जवाब दिया पाए? अरे हमार बहु रहा हूं है, माने कौन जरूरी है भैया भौजी से बतावे के? है कौन कही वहां यहां आके देखत है चमेली है कि गई? है जब गांव जावा जाए तो कोनो न कोनो बहाना बना ही लिया जाए, जरूरी नहीं है बतावे के। जब उन्हें पता चल जाए के हुक्म से तो जान ही गई है, ठीक बा? अब हम चलो चुपाई मार के कर खावा जाए, कहे जरूरी नहीं बात है। चलो ठीक बा, जब तू कहा थी नहीं बतावे तो नहीं बताई तो बात है। हाँ तो का, कौन जरूरी है बात करे के? वैसे भी रहती तो शादी ब्याह करे परत, खर्चा आधा भी एक परत, भाग गए तो अच्छा भाई, छुट्टी मिल गए खर्चा करे से। हाँ सही कहा पीहू, चलो अच्छा चलो अपन काम करा जाए। भाभी हमार फिर से सपना पूरे करे खरती, तू अपन जी जान लगाई दी, तार बहुत बहुत धन्यवाद भौजी। ऐसन भौजाई भगवान सबके दिए, जैसन भौजाई जे पाए जाए तहार नंद के ऐसन सपना पूरा हुई, और का अपने महतारी के कमी नहीं महसूस हुई। बहनी चमेली तुम्हें कोनो चीज का चिंता लिए जरूरी नहीं बात है, हमें तो ई बुरा लाग कि हमार छोट देवर देवरान तोरे साथे इतना बुरा सलूक कीन, हमें भरोसा नहीं हुआ था। खैर कोनो बात नहीं, वो सब बात छोड़ो, तू अपने पढ़ाई पे ध्यान दियो, जौन तुम्हें पढ़े खा आराम से पढ़ो, हमरे दोनों परानी मिलकर तुम्हें पढ़ाई, हमार सपना है कि तू कुछ बन जाओ। हाँ भाभी तुम्हार सपना हम जरूर पूरा करब, भगवान हमें दोबारा जिंदगी दीन है वह नरक से निकल के, नहीं तो हमार तो जिंदगी बर्बाद भईबे किया रहा। अब तोहरे दोनों जन के सपना हम पूरा करबे, ठीक है हमार भौजी? ठीक है हमार नंदो रानी, अच्छे से पढ़ो लिखो, जौन तुम्हार इच्छा हो तौन तू बन जाओ। ठीक है भाभी, अब चलो घर में भैया गोरत हुई हैं, इंतजार करत हुई हैं, चलो ठीक है चलो। 6 महीने बाद सुना थी हो, हमारे गांव आए के बहुत डर लागत बा, ये डर लागत बा कहीं भैया भौजी पूछे ना चमेली के बारे में तो हम कमन जवाब दिया बा। ओहो डर पकनऊ नहीं का, तू डराओ ना, हम सब संभाल लिए, तू चलो खाली चुपचाप, राशन पानी जौन हुए तौन भरा लो बोरा में, कार निकल दिया जाए मेरे सब फिर घर के लिए, वैसे भी कौन जरूरी रहा हमारे सबके आवत अगर राशन लिए ना हुआ। हाँ ठीक बा, चलो तू ही जो संहारे कोई संहारो, हम ना कुछ कह पाई भैया भौजी से। हाँ हाँ तू डराओ ना, चलो। भैया भाभी, अरे छोटकना। हाँ भैया, 6 महीना बाद पूरे आयन है, और का हाल चाल बात है? सब ठीक ठाक बा, चमेलिया कहाँ ही देखा नहीं पड़ा थी, चमेलिया लेके नहीं आए? हाँ देवरानी जी, चमेली बहनी कहाँ है, पूरे 6 महीना हो गए देखे नहीं, कहाँ बाती बुलाओ। अरे दीदी अब तुमसे का कहें, चमेली बहनी से बहुत कहें, चलो अपने भैया भौजी से मिल लियो मिल लियो, लेकिन वो नहीं आई, कहीं भाभी हम नहीं जावे, हम वहां नहीं निकला गए थे, अब वो नहीं आई तो का करी दीदी, पढ़त रही, कहीं हम गांव जा तो हमारी पढ़ाई मिस हो गई, ये तो अच्छा हम यहीं रह के पढ़त, तो पढ़ाई के मारे नहीं आई दीदी। अच्छा अच्छा पढ़ाई कर
चमेली बहनी, उनका चिंता तू ना करो दीदी। बस बहुत हो गया छटका, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलो, तुम्हारे शर्म नहीं लागत है? अरे कम से कम इंसान से नहीं तो भगवान से तो डराओ। ऐसा जुलम अत्याचार तू चमेली पे कियो कि अब का बताई तू है? भौजी ऐसा कैसा हमारे मेहरारू पे तू कह सकती हूँ? कहाँ पूर्व पहर पहरे लगे हैं, हमारे दोनों पुराने दिन रात चमेली का सेवा करी थे और तू कहत बात की जुलुम अत्याचार करी था। हद हो गई भाभी। जा छोटकनुआ जा, हमें तुसे ये उम्मीद नहीं रहा है। छोटकी तो चलो दूसरे के पेटे कोखे के रही, लेकिन हमारे दोनों भाई ई बहन यके महतारी का यके कोखिस जन्म लिया गया रहा है। यस तो का नहीं करे रहा, अपने सगी बहन के साथ है इतना पे जुलुम अत्याचार की है, ओकरे सपना पे मारे पानी फेर दी है। अगर हमारे दोनों पुरानी आज चमेली से ना मिले गए हुई थी पैसे, तो ये सच्चाई हम जान ही ना पाए कि तोहरे सब हमारे चमेली के साथ कितना दुर्व्यवहार की हो। इंसानियत नाम के चीज तोहरे दोनों परानी में नहीं रह गए हैं, बिन महतारी के बिटिया के साथे तोहरे सब इतना घिनौना हरकत की हो, शर्म आवे चाहे हैं। अब देखो यह हुआ चमेली, पढ़ाई लिखाई के डॉक्टर बनाई दी हन, अब अपन सेवा तो करबे करी, पूरे गांव गरीब मनेन के सबके सेवा करी। हमें माफ कर दो भैया, हमें माफ कर दो, हम अपने मेहरारू के कहे के वजह से ही सब किहन है। भैया अपन गलती भाभी के आड़े ना लुकवाओ, समझो अगर तू सही होते हो ना तो भाभी का एक ना चलत, भाभी का सारा बात तू मानत रहो, और चाहे तुम्हें कितना गलत काट रही करे के और तू कभो उंगली ना उठायो, सारा गलती उनके आप की हो, यही से भाभी के मन बढ़ी गए। अगर रोके होते टोके होते तो आज ई दिन ना देखे पड़त, वैसे भी हम तोहरे दोनों जन के पहचानते नहीं हैं कि हो तोहरे दोनों जने, जाओ यहाँ से। अब यहाँ खड़ा खड़ा ताकत का बात है, आज से तोहरे भैया भाऊजी क्यों नहीं बा, दफा हो जा हमारे यहाँ से, और यहाँ तोहर कुछ छाए वाए नहीं, दुई बीघा तोहर खेत है, आए तो जब मन करे तब अपन ना पाई लियो, बस हमारे सत्य तो भूल ही जायो कि हाँ हमारे भैया भाऊजी नहीं है। आज हमें अपने नंदरानी पे गर्व हुआ था, आखिरकार हमारे दोनों परानी का सपना पूर कर दी, हमारे दोनों परानी का शुरू से सपना रहा कि डॉक्टर हमारे नंद बने और गांव जवार के सेवा करें। गर्व तो हम में है तोहरे दोनों जन के ऊपर भैया भौजी, अगर तोहरे दोनों जने आन वक्त पे हमारा साथ ना देते तो आज हम कुछ ना कह पाए, हम समझ लियो जौन कुछ है आप दोनों के वजह से है। तोहरे मेहनत लगन के परिणाम है, हमारे दोनों जन के जो फर्ज रहा तो उनकी हन, अगर तू इतना मेहनत ना करती तो आज डॉक्टर ना बनती, हमें फक्र है अपने ऐसा बहन पे। तो आज के वीडियो आप लोग के कैसा लगा कमेंट में जरूर बताओ, और वीडियो से सीख का मिला यह बताओ, हमारे वीडियो देखे खाती आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ भैया बाबू बहनी लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कर दिया करो अपने नाते रिश्तेदार में, फेसबुक पे व्हाट्सएप पे जहाँ से आप लोग जुड़ा है तहाँ से हमारे वीडियो शेयर कर दिया करो, जितना हो सके उतना, बस यह रिक्वेस्ट है आप लोग से। तो चलो अब आज सबके नाम लिया जाए, चलो सुनो अपन अपन नाम, अभिषेक कुमार, पायल सिंह बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में कमेंट करे खातिर, अमित, शिखा, कोमल पटवा आपो के बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में कमेंट करे खातिर, कमलेश आपो के बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में कमेंट करे खातिर, मीना देवी, कल्पना यादव, सुधा सिंह आपो लोग के बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में कमेंट करे खातिर, प्रिया वर्मा, रानी मिश्रा, मोहम्मद आरुफ आपो बहुत बहुत धन्यवाद, वंदना, सीमा, अनीता आपो लोग के बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में कमेंट करे खातिर, कुसुम श्रीवास्तव, कंचन गुप्ता आपो के बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में कमेंट करे खातिर, विकास भैया, मीनू देवी आपो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में कमेंट करे खातिर, ममता बहनी, अंकित भैया, सूरज भैया आपो के बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में कमेंट करे खातिर, नाजिर भैया आपो के बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में कमेंट करे खातिर, रोहित प्रजापति, दीपा मिश्रा आपो के बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में कमेंट करे खातिर, संतोष शर्मा, प्रमोद कुमार आपो के बहुत बहुत धन्यवाद, रियाज खान आपो के बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में कमेंट करे खातिर। तो आज के वीडियो बस इतने ही, आज के नाम भी इतने ही, इक्कल वाले वीडियो में जितना कमेंट आ रहा उतना भैया बाबू बहनी लोग के नाम ले गए हैं, आज वाले कम वीडियो में कमेंट जो आज आई जो तो कल वाले वीडियो में ले जाए, तो देखत रहो रिंकी कार्टून चैनल।